हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये सैमसंग का 21 इंच का टीवी है। तो इसका प्रॉब्लम ये है कि ये स्क्रीन ऑन ऑफ होती है। तो आइए इसे चालू करके देखते हैं कि किस तरह का ये रिजल्ट दिखाती है। जो भी चालू हो जाएंगे तो देखा दोस्तों, ये रास्टर आ गए, बंद हो गए, आ गए और फिर बंद हो जाएंगे और ये आ जाएंगे। और गए फिर और आएंगे। तो ये किस तरह का प्रॉब्लम है, आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो हम इसके पीछे साइड जाएंगे, हमने एक टीवी खोल के रखा है। तो आप दोस्तों को बता दूं कि ये प्रॉब्लम किस वजह से आता है। तो ये जो हमारा पिक्चर ट्यूब है, सैमसंग का पिक्चर ट्यूब अगर कुछ दिनों के बाद में वीक हो जाता है तो इस तरह का प्रॉब्लम आता है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तो इस पिक्चर ट्यूब को चार्ज करके या फिर इसका हीटर होल्टेज बढ़ा देने से ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो आइए अभी चेक करते हैं कि हमारा हीटर वोल्टेज क्या आ रहा है। तो देखेंगे ये हीटर का पॉइंट है और आप मीटर पे देखेंगे 3.2 है। तो इसको हमको करना क्या है कि हमको इसको बढ़ाना है 4 होल्ट, 4.5 होल्ट तक मैक्सिमम हम बढ़ाएंगे और यहाँ देखे देखेंगे कि क्या रिजल्ट आता है। इसकी किट की जो असेंबलिंग है वो अलग टाइप से थोड़ी की हुई रहती है, इसलिए इसको स्ट्रांग पिक्चर ट्यूब चाहिए होता है रन करने के लिए। इस पिक्चर ट्यूब की कैपेसिटी अभी कम हो गई है, इसलिए वो हमारा रास्टर का प्रॉब्लम आता है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये आप देख पा रहे होंगे, हमने वाइंडिंग बनाई है। ये जो ESC है हमारी, इस ESC की ये जो मैग्नेट है इसको हमको टर्न लगाना है। ये कौन सा भी अपन हम वायर ले सकते हैं जैसा सिंगल वाला, और उसके टर्न लगाना है। जैसे हम कॉइल वाइंडिंग करते हैं फैन वगैरह की, वैसे इसको वाइंडिंग करना है। तो हमने कितनी की, 1, 2, 3, 4, जब तक हमारा ये 4, 4.5 होल्ट यहाँ बनता नहीं तब तक हम ये यहाँ टर्न मारेंगे और फिर चेक करना है हमको कि हमारा वोल्टेज कितना आता है। और 4.5 होल्ट आने के बाद में, बन जाने के बाद में, हमको ये जो PCB से हमारा हीटर आता है उसको ओपन करके यहाँ लगाना है और एक पॉइंट ग्राउंड पे लगाना है। तो आइए, हम वाइंडिंग हमारी हो गई है, अभी हम वोल्टेज चेक करेंगे कितना आता है। ये TV चालू कर दिए, ये देख पा रहे हैं 4.7 हमारा वोल्ट आ रहा है। देखा दोस्तों, हमारा 4.7 वोल्ट आ रहा है। तो इसको हम अभी इस पॉइंट पे लगाएंगे, यहाँ से ओपन कर देंगे हम ये वाला पॉइंट और यहाँ वायरिंग करेंगे। तो देखो दोस्तों, हमने ये वायरिंग कर दी है, एक पॉइंट ये बेस के ग्राउंड पे लगा दिए हैं। तो हमने ये वायरिंग कर दी है, ये हीटर का पॉइंट लगा दिया है। तो आइए हम इसे स्विच ऑन करते हैं और स्क्रीन पे देखते हैं कि हमारा क्या रिजल्ट आता है। तो देखा दोस्तों, अभी हमारा टीवी जो पहले ऑन ऑफ होता था वो एक साथ अभी स्टार्ट हो गया और ऑफ भी नहीं हो रहा है। या वोल्टेज देखेंगे हम हीटर तो 4.5 वोल्ट आ रहा है, ये ठीक है।
तो देखा दोस्तों किस तरह से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। इसी तरह के नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए, ताकि जब भी कहीं हम ऐसा नए वीडियोस आपके लिए लाएंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आपको वीडियो देखने के लिए मिले। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।